कमरिया मोरे हाय 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 पतली कमरिया मोरे हाय 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 ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये लोग आ चुके हैं, देखिए इन्हें, ये रहे ये और ये रहे अंकल। तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको दुल्हन से कि वो कैसी लग रही है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी और प्रिटी लग रही थी वो। अभी जब रेडी हुई तो उनका अलग ही लुक था और बहुत ही अच्छा खिल के उनके ऊपर एकदम मेकअप आ रहा था, एकदम परफेक्ट लग रही थी। तो ये रही आप ही, ये रहा इनका पूरा लुक और ये रही मैं और ये रहा मेरा पूरा लुक। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही थी। और ये रही इकरापी, इनका पूरा लुक आप देख सकते हैं। और ये रही बिंजा, अभी इन्होंने ब्लैक पहना था बट हम सब ने लहंगा ही पहना है। ये लो सबने खिंचवा लिया। मेरा कोई भी नहीं। गाइस ये देख सकते हैं फोटो सेशन चल रहा है। नाइस कैमरा मैन। ओह ये खूबसूरत चेहरा देखिए, आज कैसे बेहतरीन सी लग रही है। हाँ भाई ऐसे कर ले रहो। ऐसे देख सकते हो उसमें आपका दोनों बहनों ने लहंगा फोटो से ये चारों बहनों की ड्रेस, चारों खुले खुले मैदान। वाह क्या मुस्कुराहट है। ये मामू फुल सेवा करते हुए मामू बस उनका वाइन कलर का है, इनका शायद ग्रीन है। हाँ ग्रीन कलर का है। इनकी आंखों में कौन से कलर का लेंस है? हाँ देखो ब्लू लेंस लगा रखे ले तो इनके गाइस सबसे भूखा शख्स दिखाता हूँ। ये इतनी भूखी है, जब से मैं आया हूँ जब से तो खाए जा रही कुछ भी नहीं खाया। और है कितनी मोहब्बत दिखा रही है। ये कहना चाह रही है बस एक दिन की तो मेहमान है, बेचारी को खिला देती हूँ। फुल स्टाइल में ये, वाह क्या मुस्कुराहट है। जैसा भी ब्रश करवाया हो पर आप ही को आप ही राल टपक रही थी बहुत देर से खा लिया। ये देखिए ये फुल इशारों में मेहमानों से पूछ रही थी आपने खाना खाया नहीं खाया। मतलब वाह ये गाइस आप ही को कम खिला रही, खुद ज्यादा खा रही हूँ। ये कह रही यहाँ के बच्चे फूल उखाड़ के ले गए। गाइस ये दुल्हन बनी हुई मगर फिर भी नजर सब पे, बच्चे फूल उखाड़ के ले गए। फिर भी कह रही बच्चे फूल उखाड़ के ले गए, उन्हें पकड़ के लाओ। क्या क्या चॉकलेट डब्बा लाऊं? डेकोरेशन में नहीं आएंगे। हाँ ये भी बात है, बेचारी दुल्हन को टेंशन है डेकोरेशन ना खत्म हो जाए। हाँ हाँ बहुत प्यारी लग रही है। मैं बता रहा हूँ गाइस आप ही ने गिनती के चार चम्मच खाए, बाकी इन्होंने खाली टिक्की पूरी खा गई। वो कह रही है बस गाइस देख मैं जब से मैं आया हूँ अपने साथ घुमाए जा रही हूँ, मुझे फुल घुमा रही हूँ, मुझे अपने साथ घुमाए जा रही हूँ। गाइस पापा हेलो हेलो गाइस हेलो हेलो गाइस। और ये कहना चाह रहे हैं मुझे पूरा दिखाना, आज का लुक तो दिखा दो मेरा टूटो माय।
ये देखिए गाइस कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। थैंक यू ऑडियंस। आप भी दुल्हन से मिले बोल मीटअप चल रहा है बोल मीटअप मोरी गाइस दिखाने दो कैसे लग रहे हो ये देखिए गाइस फुल आउटफिट मोरी गाइस झकास लग रहा है। जब से आओ ना ये लोग मुझे अपने पीछे पीछे डोलाए जा रहे हैं कभी लडुलवा रहे कभी लडुलवा रहे एक जगह नहीं रुक रहे मैं किधर से बोर आ रहा हूँ पहले इधर से मैं किधर से भी लगा लूँ मैं सब जगह से एक सा हूँगा। मैं एक इंसान को दिखाना चाहता हूँ कितना ही खाए भूखा रहता है कितना ही खाए भूखा ही रहता है ये कितना ही खाए भूखा रहता है। अरे गिरा और देख सकते हैं पिंजरा आप क्या हो रहा है ये भाई के दोस्त है गाइस आधा घंटा हो चुका अभी तक अब भी खाए जा रही है पूरे 45 सुबह से भूखी हूँ अरे अब भी खाए जा रही है अरे खाने पे नजर लगा रहा है क्या कह रहे हो खाने दे क्यों नजर लगा रहा दूसरों खाने पे माना 45 मिनट से खा रहे हैं पिछले गाइस जब से रुकना पे बैठी है ना जब से यही बैठी है देखो ये दोनों जब से खाए जा रही हैं ये पहली नहीं है चौथी है ये पांच प्लेट इनकी बताओ ये बिल्कुल झूठ बोल रही पांच प्लेट इनकी नहीं 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 और ये देखिए ये भटूरा और टोंगा भी अपने आगे रख रखा है इन्होंने देखिए गुफ्तगू गुफ्तगू पापा के पास जा रहे हैं फोटो खिंचवाने और ये वही शख्स है जिन्होंने 15 प्लेट खाई है। यस ये वही गाइस देखिए फुल फोटो शूट ये तो मेरे साथ ले रहे हैं इनका फोटो गाइस फोटो शूट ये सारी बहनों के साथ ये देखिए और यहाँ हो रहा है रसम तो आप देख सकते हैं कि हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और मस्ती कर रहे थे कज़िन्स वगैरह और यहाँ पे रसम चलने लगी स्टार्ट हो गई है रसम। तो जैसे कि बारात में दूल्हा वाले की रसम होती है मुंह दिखाई की तो सब जो है गिफ्ट देते हैं दूल्हा को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं और बड़े लोग जो होते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं और बाकी सब जिसका जो दिल होता है वो सब गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे मम्मा जो है जीजू को चेन दे रही हैं और पापा को पता ही नहीं है कुछ भी हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके पापा को क्या हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ पापा को पैरालाइज हुआ था बट पापा पैरालाइज तो ठीक हो गया था उसके बाद ब्रेन हेमरेज हो गया था जिसकी वजह से पापा थोड़ा सा नहीं सुन पाते या समझ नहीं पाते ठीक से नहीं ऐसे हाथ लगवा दो बढ़िया देख यहाँ देखिए सामने तो ऐसी रसम चल रही थी मम्मी जो थे जितने भी गिफ्ट देने थे तो मम्मी दे रही थी क्योंकि हमारे दूल्हा को घर की साइड से गोल्ड का कुछ जाता ही जाता है हमेशा ऐसा रसम है तो देते हैं और बाकी सारे जिसका जो मन होता है वो सब वैसे गिफ्ट्स दे देते हैं और रिसेप्शन में दुल्हन को गिफ्ट मिलते हैं दूल्हा वालों की साइड से। तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही थी बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं ट्रोल भी कर रहे हैं कमेंट्स भी कर रहे हैं गंदे गंदे
कि आपने अपने सिस्टर को कहाँ पे शादी करवा दी और कहाँ पे देखा क्या देखा ये वो, और कहते हैं कि जोड़ियाँ जो हैं वो आसमान पे बनती हैं, तो अल्लाह ने जिसके लिए जो जोड़ा बनाया वो उसी से ही उसकी उसकी शादी होनी ही होनी है। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स मत करा करें। और किसी के बारे में आपको क्या पता, किसी के नेचर के बारे में आपको क्या पता, इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और कोई बोल रहा है कि वो अमीर है इसलिए उससे शादी कर दी, कोई कह रहा है पता नहीं क्या है, तो ऐसी ये बेकार चीज़ें हैं, इनमें कोई कुछ बातें नहीं रखी हैं। अगर ये गोरे होते तो ये अच्छे होते, ऐसा कुछ नहीं है। नक्शा भी इंसान का अच्छा होना चाहिए, दिल भी अच्छा होना चाहिए, गोरा होना काला होना डजेंट मैटर, ठीक है। और वो साउथ इंडियन है इस वजह से उनका कलर डार्क है, बाकी कलर से मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं कि कलर से कुछ लेना देना होता है, कलर मैटर नहीं करता, इंसान की पर्सनैलिटी मैटर करती है, ठीक है। तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ये व्लॉग काफ़ी डीले हो गया है, इसलिए अभी ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रही थी, बेटर फील कर रही थी, इसलिए मैंने एडिट करा और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ ये वाला व्लॉग। इधर इनका हार्ट अलग चल रहा है। ये दोनों तो अनोखे प्राणी हैं, जहाँ दिखता है कैमरा वहीं पे दरी बिछा लिया करते हैं। दूर से देखिए इनको आप लोग, दोनों कैमरामैन को साइड में पकड़ के और अपना फोटोशूट अलग से, वाह क्या पोज है। मुझे तो लगता है पर कैमरामैन भी दिल से कैमरा चलाते हुए ये अंकल जी पूरे दिल से कैमरा चलाते हुए उनके फोटोज खत्म नहीं हो रहे। 1000 फोटोज ले लिए लेकिन डलेंगे वही 2-4 ही सिलेक्टेड। ये बात मान ली मैंने, लाइटें बंद हो गई, बंद होने का टाइम हो गया, इनके फोनों के कैमरे बंद नहीं हो रहे जी। अच्छा ठीक है। मुझे लगा वो खेल रहे स्टैचू। ले लो जी, लेते रहे। फोटो लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, ये कि अब कैसे कैसे पहुंचे सारे वहां, क्या मुस्कुराहट है। आप रह गई। अच्छा हमें कुछ समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी हंस लेते हैं। सेल्फी खत्म नहीं हो रही जी। और ये एक बेटी अपना फर्ज अदा करते हुए ऐसी इधर एक बार आप ही, ये फैमिली फोटो हो रहा है एक वन ऑफ द लास्ट, देन उसके बाद हो जाएगी विदाई। ये तीन दिन में डल जाएगा, अभी ले रहा हूँ ये फैमिली फोटो होते हुए लास्ट। यस जी, तो मैंने सिनेमैटिक में नॉर्मल वीडियो भी बनानी है, मुझे इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है ये वाली सिनेमैटिक में 0.5। चल ये फैमिली फोटो होते हुए जैन कहाँ गया? जैनू ये मैं पहली विदाई देख रहा हूँ हंसते हुए, मैं भी वही देख रहा हूँ। हाँ
ओके देखो जी माँ तो माँ होती है ठीक है जी ये माँ माँ होती है माँ माँ होती है आप चाहे जितना भी हंस लो लेकिन मम्मी मम्मी होती है एक्चुअली हम इसलिए नहीं रो रहे अगर ये विदाउट भी जाते तो रोते हैं हमारे साथ असल मसला ये आपका मेकअप खराब हो जाएगा जो जो पैसे खर्च बहुत अच्छा नापे के स्क्रिप्ट तैयार करके लाई है फुल स्क्रिप्टेड होगी ट्रेंड चल रहा है ना ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके गई है मेरी ऐसे रील बनानी है आपको विदाई करने वाली ठीक है अब रियल में रो रहे हैं कोई गलती है संसार मिले होते हुए कैमरा मैन मिले की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया था कि हम नहीं रोएंगे बिल्कुल भी नहीं रोएंगे और जैसे ही मामा को रोते हुए देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए सभी रोने लगे। ये मोमेंट ऐसा होता है कि बस इस मोमेंट पे ना बहुत कंट्रोल मतलब नाजुक सा होता है ये वाला मोमेंट के थोड़ा सा भी कोई रोता है ना तो सभी रोने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं लड़की तो पराया धन होती है आप मत रोइए। अरे कोई बात ध्यान से लगा होगी क्या बैठो भाई तुम बैठो चुके और अब जा रहे हैं हम घर ये।